नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है निरूपा रॉय का। निरूपा रॉय यानी कि हिंदी फिल्मों की सबसे मशहूर माँ। निरूपा रॉय को अपने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, विनोद खन्ना की माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरूपा रॉय बॉलीवुड की सुपरमैन भी रह चुकी हैं। जी हाँ, सुपरमैन। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली माएँ ज़्यादातर दुख, दर्द, त्याग और ममता की मूर्ति नज़र आती हैं। कई उम्दा और सीनियर एक्टर्स ने माँ के किरदार को ऐसे निभाया कि उनका नाम इसी रिश्ते से याद किया जाता है। बॉलीवुड की एक ऐसी ही माँ थी निरूपा रॉय। निरूपा रॉय ने ज़्यादातर फिल्मों में अपने बच्चों से वो बिछड़ जाया करती थी या फिर उनके बच्चे कहीं खो जाते थे। ज़्यादातर फिल्मों में निरूपा रॉय को आपने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना इन सब की माँ के रूप में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निरूपा रॉय बॉलीवुड की सुपरमैन रह चुकी हैं। ये कहानी आपको बड़ी दिलचस्प लगने वाली है। अगर आप इस खबर से अनजान हैं तो हम आपको बताते हैं कि निरूपा रॉय के निभाए किरदारों में से एक ऐसे किरदार की कहानी जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। जी हाँ, एक्ट्रेस निरूपा रॉय ने डायरेक्टर अनंत ठाकुर की फिल्म सुपरमैन में सुपरमैन का किरदार प्ले किया था और इस फिल्म का एक पोस्टर ट्विटर पर शेयर भी किया गया है, जिसे देख कर लोग पुरानी यादों में खो गए हैं। फिल्म सुपरमैन 1960 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके साथ जयराज, हेलेन, नीता जैसे कलाकार भी थे। ये तस्वीर नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें सुपरमैन के पोस्टर पर निरूपा रॉय नजर आ रही हैं। बॉलीवुड सबसे दुखियारी मां एक्ट्रेस निरूपा रॉय ने करियर की शुरुआत एक गुजराती फिल्म रनक देवी से की थी। हिंदी फिल्मों में पहली बार उन्हें होमी वाडिया ने कास्ट किया था और उनकी पहली फिल्म का नाम था अमर राज। फिल्म में उनके साथ एक्टर त्रिलोक कपूर ने काम किया था और करियर के शुरुआती दिनों में निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। उनकी जोड़ी एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ खूब पसंद की गई। लगभग 18 फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया। बाद में उन्हें माँ के रोल से ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और वो बॉलीवुड की गरीब दुखियारी माँ के किरदार में दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। अपने निभाए माँ के किरदार की वजह से उन्हें क्वीन ऑफ मिस्ट्री भी कहा जाने लगा। आपको बता दें कि निरूपा रॉय को साल 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसी साल बॉलीवुड की माँ हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।